सो हे गाइस, वेलकम टू सक्षम टीवी ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस लाइट का। अब ये लाइट क्या है, आपने मेरा साइकिल तो देखा ही था अभी कुछ दिनों पहले। ये साइकिल के साथ मैंने मंगवाया था, साइकिल के लिए मंगवाया था मैंने इसे, फ्लिपकार्ट से ही इसे भी मैंने ऑर्डर किया था। और ये आज मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से ये साइकिल में लगा हुआ था और ये डिस्चार्ज ही नहीं हुआ था, तो मुझे याद भी नहीं आया कि हाँ इसका रिव्यू भी करना होता है। तो आज ये डिस्चार्ज हुआ तो मैंने इसे चार्ज में लगाया। एक्चुअली इसे चार्ज करने के लिए क्या, आप जैसे कि इसे कहा गया था वाटरप्रूफ है, लेकिन अगर ये डिवाइस वाटरप्रूफ है तो इसको चार्ज में जहाँ से लगाएंगे वहाँ से तो पानी इसमें जा सकता था। तो इसको यहाँ पे कवर दे रखा है, एक छोटा सा कवर की तरह दे रखा है, ये दिख रहा है आपको। इसे ऐसे करके ओपन करते हैं, उसके बाद ये चार्ज में लगता है यहाँ पे, और इसको फिर ऐसे करके बंद कर दो। तो ये मतलब आप बारिश में तो ख़राब नहीं होगा, ऐसा रहता है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या सीन है कि अब इसकी लाइटिंग के बारे में मैं दिखाऊंगा। तो ये यहाँ से इसका लाइटिंग है, जिसे मैं जला दूँ तो पूरा धुंधला धुंधला हो जाए, हो गया ना। और ये इसका डिम लाइट है जो कि ऑलरेडी धुंधला करने के लिए काफ़ी है। और ये इसका फ्लैश है, इस तरह से जलता रहता है तो ये फ्लैश होता है। तो तीन मोड लाइट के दिए हुए हैं इसमें। इसके साथ ही इसमें हॉर्न भी दिया हुआ है, ये यहाँ पे हॉर्न दिख रहा है आपको। इसे घंटी के मतलब इसे पास घंटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे दबाओ तो अच्छा खासा साउंड क्रिएट होता है। और इसे प्रेस करके रखो 5 सेकंड तक, तो इसे मैं 5 सेकंड तक जब प्रेस करके रखता हूँ तो इसका हॉर्न का जो साउंड रहता है वो चेंज हो जाता है। और अब ये लाइट कितना ज़्यादा देता है इसके लिए तो मुझे इसे साइकिल पे लगा के आपको दिखाना होगा। तो मैं इसे जा रहा हूँ साइकिल पे सेट करने, और अभी रात के बज रहे हैं 9:30, और रात के 9:30 बजे मैं इसे टेस्ट करने के लिए आप लोगों के लिए घर से बाहर जाने वाला हूँ। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक तो कर लेना, और फिर आपको मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ आगे। तो ये हमारा हो चुका है सेट, और अब देख रहा हूँ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर बना फिरता हूँ, और मोबाइल पकड़ने के लिए कोई आदमी नहीं है। रोड पे आ गए हैं, और रोड पे आने के बाद आपको तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा होगा। और मैं मोबाइल का फ्लैश ऑन करने नहीं वाला हूँ, मैं ऑन करने वाला हूँ यहाँ पे ये साइकिल का लाइट। और ये देखो इसका कमाल, देखा पूरा जगमग जगमग रोशन रोशन हो गया। और ये लाइट इतना इनफ तो है, मतलब ये फुल पोटेंशियल पे अपनी जल रहा है, फुल चार्ज करके मैं इसे लाया था। तो मोबाइल में आपको कितना अच्छा दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे लिए रोड पे चलने लायक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती रही है या फिर कम है, उस सिचुएशन के लिए मैं इसे सेकेंड वाले डिम मोड पर भी, ये इसका सेकेंड वाला मोड है, डिम है थोड़ा सा, और डिम होने के बाद भी ये इतना इनफ है कि काम चल जाए हमारा आराम से। और अब मैं अब इसका थर्ड वाला मोड आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसी बटन को 1, 2, 3 बार टैप करने के बाद ये फ्लैश मोड एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आराम से फ्लैश करता रहता है। हालांकि ये मोड दिया हुआ क्यों है मुझे नहीं पता, शायद सामने वाला कोई डिस्टर्ब करे तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए दिया होगा। मैं इसे वापस से नॉर्मल मोड पर एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो मेरी प्यारी साइकिल, मेरा प्यारा लाइट। और अब हॉर्न की बारी है कि रोड पे चल रहा हूँ, सामने के लोग आ गए, तो हॉर्न कितना लाउड है इसका, ये आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो में आपको ज़्यादा लाउड ना भी लगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो काम से मतलब है ना कि सामने से लोग हट जाए उनको सुनाई दे देते। तो हॉर्न प्रेस करते हैं, मस्त साउंड है ना। और अगर मैं इसे 5 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ तो इसका साउंड चेंज हो जाता है। फिर से मैं चेंज करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे, और क्या। तो 5 सेकंड तक प्रेस करेंगे, साउंड हो जाएगा चेंज। आते ये रहा मेरे गांव का प्यारा सा मंदिर, देखो भोले बाबा आराम कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, साइकिल पे चलते चलते आप लोगों को बोलता हूँ गुड नाइट, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू.